श्री लक्ष्मी नारायण जी गहलोत के द्वारा मजदूरों की समस्या के कारण लहसुन की निराई के लिए नए औजार का निजात बड़ी आसानी के साथ में निंदते हुए, जहां 10 मजदूर लगते हैं वहां पर सिर्फ एक आदमी के द्वारा ही निराई का कार्य हो जाता है। गहलोत जी, ये चीज़ आपके दिमाग में कैसे आई? अरे बहुत परेशान हो गए मजदूरों के आगे पीछे घूम घूम के, मजदूरी नहीं मिलते जी। मैंने सोचा कुछ अपन अपने हिसाब से करते हैं कुछ ढंग का, जिससे फसल को भी फायदा मिले। क्योंकि ये जो इससे जो गुड़ाई निंदाई हो रही है बहुत ऊंडाई तक हो रही है। अच्छा, मतलब इसको किसान मजदूर नहीं खोद पाते इतना जो अपन कर रहे हैं ना, इतना मजदूर नहीं खोदते। और इससे लहसुन की फसल को काफी फायदा है। गुड, आपके यहाँ मजदूर की बड़ी समस्या है ना? बहुत समस्या है साहब। तो ये मशीन, मतलब इसके द्वारा आप पूरे दिन भर में कितने मजदूर का काम कर देते हैं? 10 मजदूर, मतलब 1 बीघा आराम से एक व्यक्ति कर सकता है। एक बीघा आराम से हंसता खेलता करता है कोई बड़ा। अच्छा, इसमें कोई नुकसान नहीं होता है? कोई नुकसान नहीं, फायदा ही फायदा है। कोई नुकसान का तो काम ही नहीं। ये आम किसानों के लिए भी बहुत लाभकारी चीज़ है ना? बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत बधाई आपको यार। इसी एक बार इसको दिखाएंगे आप मशीन को पूरा? कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है? ज़्यादा खर्चा 150-200 रुपये में बन जाता है। 150-200 रुपये में बन जाता है। बहुत बहुत बधाई साहब आपको। ये और किसानों को के लिए भी मैं शेयर करता हूँ, ताकि उन लोगों को भी लाभ मिल सके। मिलना चाहिए बिल्कुल। किसानों को बहुत बहुत पैसा लगाते हैं किसान, बहुत पैसा लगता है। सही बात, और उतना बाद बेनिफिट मिल पानी नहीं मिल पाता है उनको। प्याज के भाव बढ़ गए तो हर आदमी ये कह रहा है कि प्याज के भाव बढ़ गए। हाँ, उसका उसकी खर्चा कितना है किसान का, उसने कितनी मेहनत करी। हाँ, इस बात पे एक बार सेल्फी ले लूँ आपसे यार, ले सकता हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर। हाय कर रहे हैं, धन्यवाद किसान भाइयों, आपके लिए बहुत बड़ी विशेष खुशखबर है।